सतत हरि चरित गान की। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पय देवादिवंदनम आरार्तिक्य ग्रहणम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी भगवत जन अपने अभी गृह कार्य से निवृत्त नहीं हुए हैं वो अपने गृह कार्य को अतिशीघ्र निवृत्त करके कथा पांडाल में आवे। परम पूज्य आचार्य प्रवर परमादरणीय आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री रघुपत त्रिपाठी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी रसमयी वाणी के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके अक्षय पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। सभी लोग शांति का परिचय बनाए रखें। आरती आप तक पहुँचतेगी, आरती लीजिए, शांति परिचय बनाए रखें। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से मंगलमय कथा को श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरि ओ श्री गणाधिपतये नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः।
माता पितृ चरण कमलेभ्यो श्री वेद पुरुषाय नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री वेद पुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धै वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वारथानाम् उपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। वन्दे त्वदीयसुरप्रार्थितपादपद्मं हंसाधिरूढकरलोचनकालकञ्जा शुभ्राम्बरा सकलशास्त्रविचारदच्छा काङ्क्षी कृपा तव सदा भवदुःखरत्रीं या देवि सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमदिततीर्षयतां तमोन्दम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुप सूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः बोले ध्यानात् भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की हनुमान जी महाराज की भागवत भगवान की जय जय श्री सीता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु स्वयं प्रभु परमात्मा श्री राधा माधव की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनुसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की इस पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का आनंद ले रहे समस्त सुधीर श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की सायंकालीन वेला प्रारंभ हो रही है। आइए ये दास कल आप लोगों से निवेदन कर रहा था जीव को भागवत श्रवण करने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है तो भागवत में लेख है जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर के किए गए पुण्य कर्म जागृत होते ही तब उस जीव के कर्णरंध्र में यह भागवत कथा प्रविष्ट हो पाती है। भागवत भाग्यवानों के लिए है यह धनवानों के लिए नहीं। जिसके जीवन में भाग्य जिसके जीवन में पुण्य कर्म होगा उस जीव के कर्णरंध्र में यह कथा प्रविष्ट हो सकती है। इस समय तीर्थराज प्रयाग में तमामों ऋषि मनीषी यज्ञ तपस्या करने के लिए उपस्थित होते हैं। एक बार तीर्थराज प्रयाग में दुनिया के ऋषि मनीषी विद्वान सब इकट्ठा थे और उस प्रयाग के धरती पर एक सवाल उठा संतों के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा पापी आदमी कौन है तो किसी ने जवाब दिया कि चिद्वदन्ति धनहीन नरो जघन्याः संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जिसके पास धन नहीं है। एक महात्मा जी खड़े हो गए कहा महाराज ये गलत है सुदामा के पास धन नहीं था तो भगवान ने कृपा नहीं की उन पर तो दूसरे महात्मा ने कहा केचिद बदन्ति बलहीन नरो जघन्या इस संसार में जिसके पास बल नहीं है वो बड़ा अपराधी है पापी है। तो तीसरे महात्मा ने कहा फिर भगवान गजेंद्र की रक्षा करने क्यों चले गए वो तो निर्बल हो गया था
उसी समाज में वेद व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा आओ मैं बताता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी जीव कौन है। व्यास जी कहते हैं, व्यासो वदति अखिल शास्त्र पुराण वेत्ताः नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या। इस संसार में सबसे बड़ा पापी जीव वो है जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी संत विद्वान के सानिधि को पा करके परमात्मा के नामों का जप नहीं किया। आइए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य को याद करते हुए भगवान की कृपा कटाक्ष हम पर पड़ चुकी है, भगवान का धन्यवाद देते हुए ठाकुर जी को और भगवान नामों का सब लोग मिलकर के गान करेंगे थोड़ी देर। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Thank you.
दीना दीना परम आदरणीय श्रोताओं, कल हम लोग भागवत जी के महात्मा का आनंद ले रहे थे और फिर चर्चा चली इस संसार में सत्य केवल परमात्मा है और भागवत में सत्य की ही वंदना की गई है। आइए भागवत जी में सत्य की वंदना कैसे की गई है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थीष्वभिज्ञास्वरात् तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहुयन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र कृत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। आदरणीय वेद व्यास जी कहते हैं वो सर्व सत्यमान सत्ता, आदरणीय श्रोताओं इस श्लोक के भाव को बड़ी गंभीरता से समझना, वो सर्वशक्तिमान सत्ता जिसको हम नारायण कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति से यह संसार का प्रपंच बनता है और इसका पालन होता है, इसका संहार भी होता है। अर्थात इस सृष्टि को बनाते भी हैं और सृष्टि में पैदा हुए जीवों का पालन भी करते हैं और इनका संहार भी करते हैं। जन्माद्यस्य, इस सृष्टि के जन्म पैदा करने में, पालन करने में और संहार करने में और इस संसार को अपने में लय कर लेने की ताकत है उस ब्रह्म में, उसी ब्रह्म की सत्ता ने, उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया। वो कैसा है
कहा स्वराट। स्वराट किसे कहा जाता है कि जो अपने रूप में स्थित होता है उसे स्वराट कहते हैं। वो अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, इसलिए स्वराट। जिस वेद वेदांत के, जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझने के लिए बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े विद्वान मोह को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वेदार्थ के तत्व को नहीं समझ पाते। उस वेदार्थ के ज्ञान को जिस ब्रह्म ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, भगवान ने, जैसे तेजोमय सूर्य, सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं असंख्य रूप में हमें दिखने लगती है। जैसे व्यक्ति को जल में स्थल का भ्रम पैदा हो जाता है, उस परमात्मा, उस अधिष्ठाता, उस सत्ता को हम सत्य कहते हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतार की कथा लिखी गई है, लेकिन वंदना किसकी की गई? वंदना की गई है सत्य की। और इस संसार में सत्य क्या है जानते हो? ये देश के संत नहीं, इस संसार में सत्य है केवल परमात्मा और उसकी सत्ता और उसका नाम। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार जितना हमें आपको दिखाई देता है, इस सब का नाश निश्चित है मेरे भाई। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये उनकी सत्ता है, ये कृपा कटाक्ष भगवत कृपा है। जीव को जब धरती पर आना होता है ना, व्यक्ति को जब पैदा होना होता है, तो उसकी सूचना ये प्रकृति 9 महीने पहले दे देती है कि भैया कोई आने वाला है, लेकिन जाने की सूचना यहां 9 सेकंड पहले भी नहीं। ये सत्य है। और इस संसार में सत्य क्या है? गोस्वामी जी का मानस जरा देखना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। इस संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह भागवत सुनने का लाभ कब प्राप्त होगा हमें? आपको जीवन में संकल्प ले सत्य के पथ पर चलने के लिए, जीवन में संकल्प ले यथार्थ के तरफ चलने के लिए, तब ये कथा सुलभ होगी। और एक बात कहूं, इस संसार में सत्य कहां है? तो कहां सत्य सब में निष्ठ है।
इसलिए सत्यम परम भीम ही। यहां इतने लोग बैठे कथा सुन रहे हो, कोई इसमें से माता रानी का भक्त होगा, कोई हनुमान जी का पुजारी होगा, कोई कन्हैया का पुजारी होगा, और कोई राम जी की आराधना करता होगा, कोई शिव जी की आराधना करता होगा। लेकिन प्रत्येक साधक अपने इष्ट को सत्य मानता है तभी तो साधना करता है। यम सैवा समुपासते शिव ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धिति प्रमाण पटवा करतीति नैयायिका। अरहं नित्यथ जैन शासन रता करमेति मीमांसका सोयं वो विदधात वांछित फलम त्रैलोकयन्नाथो हरि। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इष्ट को इष्ट की पूजा करनी चाहिए। जो इष्ट की पूजा नहीं करता है उसके जीवन भर जीवन में अनिष्ट उसके होते रहते हैं, इसलिए अनिष्ट से बचने के लिए इष्ट की साधना करना नितांत आवश्यक है। सत्यम परम धीमहि। तो अब सवाल आया कि भाई ये बताओ कि सत्य की पहचान क्या है, सत्य को पहचाना कैसे जाए। वेद व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत का जो सत्य है वो जड़ात्मक सत्य नहीं है, ये चेतनात्मक सत्य है। सबके अध्यारोप और सबके अपवाद के बाद भी ये सत्य है। और भागवत के पहले सत्य की वंदना है, पहले सत्य की वंदना और मध्य में भी सत्य। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और भागवत के अंत में भी सत्य है, इसका तात्पर्य ये ब्रह्म ही आदि में सत्य है और वो ब्रह्म ही अंत में भी सत्य है, बाकी संसार में कुछ सत्य नहीं है। भैया जो संपत्ति आज आपकी है ये कल किसी और की थी और परसों फिर किसी और की हो जानी है। और एक बात कहूं, भागवत के मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतः। अरे महाराज ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र यही से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है, जन्माद्यस्य यतः। कैसे ये ब्रह्म सूत्र क्यों है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आता है सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और यहां जन्माद्यस्य यतः। और जो सत्य प्रेम ठाकुर जी से कर ले उसका फिर कल्याण हो जाता है। अगर हम पूरे रामायण को देखें तो रामायण में कोई बाकी नहीं है कि जिसने राम जी से प्रेम नहीं किया, लेकिन सत्य प्रेम राम जी से किसने किया है जानते हैं? नहीं। बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनयो परिहर्यो। राम जी से सबने प्रेम किया है रामायण में, कोई बाकी नहीं है, लेकिन सत्य प्रेम किसने किया राम जी से? केवल दशरथ जी ने किया कि राम जी के न रहने के बाद वो खुद भी नहीं रह पाए। जल है, जल में जल से प्रेम कौन करता है भाई? जल में सांप भी रहता है, जल में मेढक भी रहता है, जल में कछुआ भी रहता है, ये सब जल के प्रेमी तो हैं, और जल में मछली भी रहती है, लेकिन ये सारे लोग जिंदा रह जाएंगे महाराज, सिर्फ मछली नहीं बचेगी। मछली का प्रेम जल से सत्य है। और अगर आप इस धरती पर खोजें, जिस धरती पर हम हैं,
तो मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि सच्चा प्यार सच्चा प्रेम तो इस धरती पर है ही नहीं। केवल कहने की बात, यहां तो लोग कहते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं ऐसे तमामों लोगों को जानता हूं कि उनके मरे हुए 20 साल हो गए, वो आज तक जिंदा अभी तक नहीं मरे। केवल कहते हैं महाराज, सच्चा प्रेम इस मृतलोक में है नहीं, इसलिए इस संसार के सबसे हितैषी है ठाकुर जी राम जी। और मैं आपसे अंत में कहना चाहूंगा कि संसार में ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल, और साधु के साथ ऐसे रहो जैसे कमल में भंवरा। यह जीने का तरीका आपको बता दे रहा हूं। अंत में ब्रह्म सत्य है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को आदरणीय वेद व्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं, और हम सब लोग उस सत्य की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। भागवत में आता है श्लोक फिर, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरुः रसिका भुवि भावुका। भैया, इस संसार में दो चीज है, एक होता है कल्प वृक्ष और एक है चिंतामणि। कल्प वृक्ष दुनिया का एक ऐसा पौधा है कि उसके नीचे आप बैठ जाइए, कल्पना करते जाइए, सारी चीज पूरी हो जाएगी। ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, तो वृक्षों में लगता है फल, उन वेद रूपी वृक्ष में लगा हुआ जो गला हुआ फल है, लगा हुआ उस फल का नाम है श्रीमद् भागवत। और इस कथा का पान कीजिए, ये अमृत है अमृत, इनमें न गुठली है न छिलका है, इसका कोई अंश त्याज्य नहीं है। कैसे कहा, पीबत भागवतम रसमालयम। भैया, राम कथा जो होती है मानव जीवन में, ये जीने के लिए होती है। राम कथा जीने की कथा है, और भागवत की कथा ये पीने की कथा है। पीबत भागवतम, कहा कब तक पिए, कहा रसमालयम आलयम, जब तक तुम्हारी मुक्ति न हो जाए तब तक पियो। कहा क्या पिए महाराज, अभी 10 दिन पहले तो हम उत्तर प्रदेश में पी रहे थे, 15 दिन पहले हम बॉम्बे में थे, उसके बाद हम गुजरात आ गए। कहा नहीं, मुहुर मुहु बार बार पियो। ए रसिको, ए भावुको, भगवान की कथा को बार बार पियो, भगवान की सेवा बार बार करो, यही जीवन का यथार्थ है। आइए हम चलते हैं अब नए विशारण में, जहां पर सूत और शौनक आदि महात्मा इकट्ठा हैं। कालिदास आपसे निवेदन कर रहा था, श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं नए मिश में, और शौनक आदि महात्माओं ने सवाल किया है, 6 सवाल पूछा है। इन सवालों को, प्रश्नों को बड़े गंभीरता से सुन लेना, इसी का उत्तर है पूरी भागवत में। शौनक आदि महात्माओं ने कहा सूत जी से, ए स्वामिन, आप इतिहास पुराण शास्त्र के अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं, हमको हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सवाल क्या पूछा, पहला सवाल तो यह है भागवत में महात्माओं का कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ध्यान देना शब्दों पर। भैया, एक धर्म है और एक परम धर्म है। मानव के लिए परम धर्म क्या है, यह पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है महाराज, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम पूजा किसकी करें,
और तीसरा सवाल यह है स्वामिन, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, तो वे राम कृष्ण बामन परशुराम के रूप में अवतार कैसे लेते हैं? और चौथा सवाल स्वामी जी, प्रमाणिक रूप से भगवान के अवतार कुल कितने हैं? और पांचवा सवाल यह है स्वामिन, इस संसार में वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो बहुत बड़ी बात को छोटे में बता दे या बहुत छोटी बात को बहुत विस्तार करके बताए? और छठवां सवाल, भगवान जब अपनी लीला का स्मरण करके इस धरती से जाने लगे, चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गए? ये छह सवाल पूछे हैं महाराज। श्री सूत जी महाराज बड़े गंभीरता से और बड़े आसानी से महात्माओं के सवाल को सुनते हैं। सवाल को सुनने के बाद उनके चेहरे पर जरा सी हंसी आई और कहा, हे महात्माओं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। स्वामिन, आपके प्रश्न को सुन करके तो मन प्रसन्न हो गया। मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसीदति। बड़ा प्यारा सवाल है संतो, और आपके सवाल में तो पूरे संसार का कल्याण सब छुपा हुआ है, आपने अपने लिए पूछा ही क्या है? आपने तो भवद्भिर लोक मंगलम, संसार के कल्याण के लिए सवाल पूछा है आपने। हां, मैं बताता हूं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, और आप लोग भी बड़े गौर से सुनना, यह वेदांत का विषय है, थोड़ा कठिन जरूर होगा लेकिन बहुत अच्छा है। धर्म किसे कहते हैं भैया? जो धारण करने के योग्य हो उसे धर्म कहा जाता है। यह धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? धर्म का निर्वाह हम संसार के साथ करते हैं, और परम धर्म क्या है? परम धर्म है ईश्वर को प्राप्त करना हमारा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, इस धरती पर आपको भगवान ने क्यों भेजा है? आपने अपने आप से सवाल किया कभी, भगवान ने हमको आपको इस पृथ्वी पर क्यों पैदा किया? अत्याचार अनाचार व्यभिचार करने के लिए, ये दुनिया भर का काम करने के लिए, इसके लिए नहीं भेजा है परमात्मा ने, इसलिए धरती पर हमको भेजा है। और ये जीव भगवान से वादा करके आया है कि हम आपको प्राप्त करेंगे। अरे भैया, ये शरीर आपका एक साधन है। ये कैसा साधन है? ये शरीर इतना बढ़िया साधन है, भगवान को प्राप्त करने का साधन। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। Oh,
शरीर ईश्वर ने क्यों दिया है? ये शरीर ईश्वर ने इसलिए दिया है कि इस नश्वर शरीर से शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करने का यह शरीर आपका एक साधन है। थोड़ी गंभीरता से देखना, यह मानव शरीर मिला है भगवत आराधना करने के लिए भैया। और एक बड़ी बात बोल दे रहा हूं, 84 लाख योनियों का निर्माण इस धरती पर ब्रह्मा जी ने किया है। ध्यान देना शब्दों को। अब इसमें धन केवल आदमी कमाता है, बाकी कोई योनि धन नहीं कमाती है। 84 लाख योनियों में पैसा केवल आदमी कमाता है, बाकी योनियां पैसा नहीं कमाती, लेकिन वो आज तक भूखों नहीं मरी, सब जिंदा है। और इस मनुष्य को आज तक पूरा भी नहीं पड़ा है, ये बताइए, ये संजोग देखिए, ये कितनी विलक्षणता है। इस संसार में पैदा होने का उद्देश्य है भगवत पूजा करके, भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाना। इस संसार में आप जानते हैं सबसे ताकतवर चीज क्या है भैया? इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है, उसका नाम है लोहा, जो सबको काट डालता है। और लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन चीज है? तो कहा आग, जो लोहे को भी जला करके खाक कर देती है। आग जब जलाती है तो लोहा नरम पड़ जाता है। और आग से भी ताकतवर कौन सा चीज है? पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर चीज क्या है? यह आदमी जो पानी को पी जाता है। और आदमी से ताकतवर चीज क्या है? आदमी से ताकतवर चीज है मौत, जो इसे खा जाती है। और मौत से ज्यादा ताकतवर चीज कौन है? उसका नाम है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। इसलिए यह शरीर ईश्वर ने आपको इसलिए दिया है, इस शरीर को माध्यम बना करके, भगवान की भक्ति करके, भगवत आराधना करके हम भगवान के तरफ चलें। ये इसलिए शरीर प्राप्त है। बात आती है परम धर्म की। परम धर्म क्या है जानते हो? परम धर्म है भगवान कन्हैया के श्री चरणों में प्रीति, और संसार में रहना यह धर्म है। मंदिर में आप जाएं, सबका सम्मान करें, दूसरे सवाल का जवाब, पूजा किस करें। जैसे जो हनुमान जी का भक्त है, वो अगर धोखे से शंकर जी के मंदिर में चला गया तो भी कहेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि वो आराधक हनुमान जी का है। इज्जत सबकी करना, भगवान चार नहीं है भैया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सोना निकलता है कोयले की खदान से, और वहां से आकर आग पर चढ़ाया गया, चाहे हार बन जाए, चाहे कंगन बन जाए, चाहे अंगूठी बन जाए, चाहे जो बनवा लीजिए, सोना तो अकेला है ना, रूप अलग अलग है। ऐसे ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद कहता है। उनके रूप अलग अलग है, कहीं राम के रूप में, कहीं शंकर जी के रूप में, कहीं माता रानी के रूप में। उनका जो रूप आपको अच्छा लगे उसकी आप साधना कीजिए। ये नहीं हम राम जी के पुजारी हैं तो हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते, ये मूर्खता है। सबका सम्मान कीजिए। और जीवन में, जीवन का ये सार है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम। और देवता को कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये कहना भी अपराध है। को बड़ छोट कहा था अपराध, ये कहने लायक। जब वो अकेला है, एक है, आइए जैसे वृक्ष के जड़ में अगर पानी डाल दिया जाए तो वृक्ष में ये जड़ में गया पानी पूरे पत्तियों और फल तक पहुंच जाता है, वैसे नारायण के द्वारा की गई आराधना सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर देती है।
और हे महाराज भगवान के कुल अवतार हुए हैं 24 प्रामाणिक रूप से। उन 24 अवतारों का हम स्मरण कर ले। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, भगवान का दूसरा अवतार बाराह का, संत नारद का, नर नारायण का, भगवान कपिल का, दत्तात्रेय भगवान का, यज्ञ भगवान का, ऋषभ देव जी का, पृथु जी का, मत्स्य जी का, कच्छप का अवतार, धन्वंतरी भगवान, मोहनी, नरसिंह, बामन, परशुराम, महर्षि वेद व्यास, श्री राम जी, श्री बलराम जी, श्री कन्हैया जी का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये प्रमाणिक रूप के भगवान के 24 अवतार हैं। हे महात्माओं, ये भगवान ने अलग अलग अवतार अलग अलग परिस्थितियों में ग्रहण किया है। इसमें कुछ ज्ञान का अवतार, कुछ कला का अवतार, कुछ लीला का अवतार, कुछ आवेश का अवतार, सारे अवतार समाहित। आइए थोड़ा भगवान नाम जप करें, उसके बाद चलते हैं सुंदर प्रसंग की तरफ। रघुनंदन राजा राम हरे गोपाल हरे श्री राम हरे श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, बड़ा प्यारा प्रकरण है भागवत जी का ही।
श्री वेद व्यास जी महाराज अपने पावन आश्रम पर बैठे हुए हैं। कभी बद्रीनाथ धाम में अगर आप जाएं, जब बद्रीनाथ धाम में आदमी जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का दर्शन होता हो। श्री वेद व्यास जी महाराज बैठे हैं अपने आश्रम पर। कलि कलुष निकंदनी भगवती सरस्वती की धारा प्रवाहित है और वेद व्यास जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये दुनिया वाले क्या करते हैं। ये खाने पीने मौज करने में मस्त हैं, दुनिया किसमें व्यस्त है? खाने पीने में मौज करने में। वेद व्यास जी ने कहा कि आखिर क्या होगा, ना तो समय पर बारिश होती है, ना वृक्षों में फल बचे हैं, और इस संसार के जीवों का भला कल्याण कैसे होगा? यहां पर एक बात जरा देखना गौर से आप लोग। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी चिंता करता है वो कोई एक साधारण आदमी हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की चिंता समाई हो, जिस व्यक्ति के हृदय में समाज की चिंता सताए, जिस व्यक्ति के हृदय में संसार के कल्याण करने की बात सताए, वो कोई महापुरुष होता है। ध्यान देना शब्दों पर। अपनी चिंता तो संसार वाले करते हैं, और संसार की जो चिंता करता है वो कोई संत हो सकता है। वेद व्यास जी इतने दुखी हो गए कि उनके आंखों से आंसू टपकने लगे और सवाल पूछा कि संसार का कल्याण भला कैसे होगा। तब तक क्या हुआ कि महात्मा नारद जी वेद व्यास जी के समीप प्रकट हो गए, आ गई। यह दुनिया दुखी होती है तब क्या होता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब कोई भगवान को चाहने वाला, जब कोई भगवान का भक्त दुखी होता है, तो भगवान उसे कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से बता जरूर देते हैं। ये मैं जीवन का प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव बता रहा हूं। इस संसार में कोई भगवत आराधक, कोई भगवत भक्त दुखी हो तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। जैसे महात्मा नारद जी आए और नारद जी को जब वेद व्यास जी ने